साहब बाद में खिचड़ी आने कुटी जा रही है और इस खिचड़ी ने कुटन की बहुत ज्यादा दम लग गया है क्योंकि ये बाजरा जो है घना सारा वो है। अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो मेरा नाम राम सारन है। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज जो हम जो है बाजरे की खिचड़ी कुटेंगे, बाजरे की खिचड़ी बनाओगे तो उड़ा बाजरा कुटन लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए आपको मैं वहाँ ले चलता हूँ। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मुझे बुखार था। बुखार तो मुझे अभी भी है पर लेकिन इतना नहीं है, इसलिए मैं सोचा चलो भाई इतना बुखार नहीं है तो अब थोड़ी वीडियो बना ली जाए आपको भी, क्योंकि आपको कल वीडियो नहीं मिली है तो आज वीडियो मिल जाएगी। इसलिए मैंने आज कैमरा उठा लिया है। तो आप लोग प्लीज़ यार, मुझे बुखार हो रखा था और मैंने बुखार में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं, आज बाजरा कुटा जा रहा है। वैसे अमरूद मारो भाई नज़र ने कितना चारों तरफ तक फैल गया है और बहुत मीठे मीठे अमरूद लग गए भाई साहब। इसका बहुत अमरूद खाया इबे तोड़ा था मैंने, उड़े था तोड़ा था एक पर कट तोड़ा था, दो तीन घंटे पहले एक उड़े था तोड़ा था ऊपर था। तो आशा ही बड़ा इतना मोटा मुझे दिख चुका है मीठा वाला, थोड़ा ऊपर इतना तोड़ा नहीं क्यों रहा भाई साहब, थोड़ा दिखाऊं बड़ा था हमने वो डूब जाओ। यो हमारा हथियार है भाई, अमरूद तोड़ने का। यो देखो भाई अमरूद एक नंबर का अमरूद है। भाई साहब अमरूद अड़े कट कर देखा, तीन फाँक हो चुकी है अमरूद की, क्योंकि मैं हूँ, मम्मी है और जिमी है। जिमी ले तेरी फाँक, कौन सी फाँक यार जिमी की, जिमी की यह फाँक है। देख जिमी, ए जिमी ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना अमरूद। भाई साहब अमरूद के नाम पर बहुत उछड़ा भैया, खा ले। अच्छा मैं अमरूद खाने लग रहा हूँ और जिमी जो है अमरूद की बाट में बैठी ले। जिमी नीचे भी नहीं पड़न देती भाई अमरूद ने, रे इसी परोठ हो जाए अमरूद खाने में तेज देख भाई उकर खाओ। तो वैसे हमारे भिंडिया जो है गोबर कर दिया है, देख ले भाई हटनती नहीं है और मम्मी का गोबर ठाओगी यहाँ पर पहले एक भाषा दे बच्चे हमारे भाई के। वैसे ये गोबर आ चुका है इसके अंदर और यह बच्चिया है मारी, आ जा वैश ओए। तो भाई साहब बाद में खिचड़ी आने कुटी जा रही है और इस खिचड़ी ने कुटन की बहुत ज़्यादा दर्द है, घना सारा वो है, एक मुश्किल है इधर सारा बाजरा कुटने बहुत परेशानी हो और बाद खिचड़ी बनाई बचू ले पे जो वो अभी अपने मेकिंग दिखाऊंगी। इसकी बहुत बढ़िया खिचड़ी बना है पर मैंने पसंद बोलिया करके कहने पसंद है, मैं तो खाया ना करूँ, मेरे बुखार चढ़ रहा है, मैं तेनू भी ना खाया करूँ और भाषा कुट जाए पाते फिर हम दिखाऊंगे इसका जो हालत होगी ना एक नंबर की। A few moments later. तो भाई साहब जो है खिचड़ी बनाते बनाते रात हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि खिचड़ी चूल्हे पे है, आपको मैं दिखाता हूँ खिचड़ी। तो भाई देख लो चूल्हे पे खिचड़ी बनाने लग रही है, थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, घुट गई है, मतलब ना थोड़ा और टाइम लगेगा। हेलो दोस्तों, ऐसा वाड़ा खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम खाओगे और फिर गुदना बढ़ जाएंगे अपने क्योंकि आज क्योंकि दो दिन हो चुके हैं बुखार चढ़ते हुए और जो डॉक्टर ने ज्यादा सुबह बहुत देर लगा दिया है, कुल्ले में गांठ बन रही है और जो है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे मारे न खा पी के अपना गुदना बढ़ जावा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं तो आप आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना और आज के लिए बस इतना ही भाई।